हेलो गुड मॉर्निंग, नाना धोना हो गया है। सबसे पहले हैप्पी चिल्ड्रंस डे आपको चिल्ड्रंस डे की छोटे छोटे फ्रेंडों को बहुत शुभकामनाएं। एंजॉय करिए, मजे करिए बच्चे सभी। चलिए आप बस बात करते हैं, मैं चाय बन गई है, फिलहाल चाय पीने चलते हैं। हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है तो उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाएंगे। ब्रेकफास्ट जैसे कि कल सूजी को बनाया था, आधा में ज़्यादा रखा है, थोड़ी मेरे को बनेगा। मैं सोची थोड़ा सा वो खाऊँगी, क्लॉक्स खाऊँगी है, तो क्लॉक्स का कॉर्नफ्लेक्स खाऊंगी, थोड़ा सा एक पाउच लाई थी छोटा सा वो रखे हुए, दो तीन डाल के खाऊँगी। अंडे उबलने चला देती हूँ फिलहाल, उसके बाद चाय पीते चलते। एक सूज ले लेती हूँ अपना, अभी नहा के आ गई है। एक चाय की बोल ले लेती हूँ अपना, ब्रेकफास्ट अंडे। अरे शाम को गई थी सब्जी सब नहीं आई थी, तो साग बनाऊंगी। साग थोड़ा उबाल के पीस के रखना है पालक पनीर के लिए। आज फिलहाल दाल वाला बनाऊंगी, उड़द की दाल में बनता है तो वो अच्छा लगता है, तो वो बनाऊंगी कुकमा टाइप का। बिस्किट लेंगे चलिए। अंडे तो उबलने चढ़ा दिए, अब इसका रख दिया थोड़ी देर फ्रिज से बाहर निकाल के रखा, थोड़ा सा हो जाए गर्म हो जाए, फिर बनाऊंगी आके चाय। जब तक पीते हम लोग चाय पी के उसके बाद रोज लूँगी चाय के साथ इसकी कॉफ़ी। थाली में है साग, पालक का साग, दाल डाल के जो हमारे लखनऊ साइड वाले बहुत बनती है, और दिल्ली वगैरह में तो लोग मकई का साग डाल के खाते हैं। वैसे थोड़े से हम लोग उसमें उड़द की दाल डाल के बनाते हैं। और मेरी उड़द की रोटी है, ये चटनी, और ये मूली और गाजर काटा, मूली टमाटर होते हैं, गाजर मूली एक साथ नहीं खाता, तो इसलिए मैंने मूली टमाटर बीट लाऊंगी। बीट लगा भूल गई, ठंडा से बीट लगा पड़ेगा, बीट गाजर वहाँ टमाटर ले भी खाना पड़ेगा। चटनी साग बहुत टेस्टी लगता है हम लोग को। चलिए शाम 6 बज रहे हैं, ये बनाए काटे का केक, बनाती हूँ चाय, अब चाय पीते हैं पहले। हम लोग ऑफिस चल रहा है अभी, ऑफिस चल रहा है, जब हो जाएगा उसको ऑफिस ख़त्म तब तक चाय पी लेते हैं, केक कट कट करेगी तब खाएंगे हम लोग। चलिए बनाया आज आटे का, बनाया आटे का बनाती हूँ, फिर गाजर और केले डाल के बनाती हूँ। फिलहाल आज मैं कॉफ़ी डाल के बनाया, और कुछ बेरीज रखी थी वो डाल दिया, ड्राई फ्रूट के साथ हमें मिली थी कंटेनर में, रखा था ब्लैक बेरीज तो उसको डाल दिया थोड़े से, वो बनाया। और फिलहाल पीते हैं चाय, पहले चाय पी लें उसके बाद केक कट करेंगे। हाथ लेना पड़ेगा तब तक, टेस्ट है तो ठीक ठाक है बना तो। चलिए चाय पीते हैं पहले।
कबाब रखे थे रात को दिन बॉयल करके, ज़्यादा हो गए थे ना दिन बनाए थे राजमा चावल दिन में, तो कॉर्नफ्लोर मिलाकर फिर धनिया की पत्ती, हरी मिर्च, गरम मसाला और नमक, तल में मसाला फ्राई करके बहुत सारे लोग डालते हैं, वो भी अच्छा लगता है। यहाँ में फ्राई करके डाल देते हैं, हम इतना आप कुछ नहीं करने वाले रात में, हम लोग फिर सिंपल वे में खाएंगे। बस थोड़ा सा भूख लग रही थी केक खाने के बाद भी, आज खैर केक मीठा मीठा था ना, मुझे भूख लग रही थी। उसको बनाते हैं ब्लैडी कबाब राजमा के, बनाए थे मैंने एक बार और अच्छे लगे थे, एक बार ऐसे ज़्यादा हो जाते चने बने तो उनके बना लेती हूँ। सब्जी बना के ना फिर उन्हें बासी खाओ वो नहीं अच्छा लगता है। और जब हम लोग गए थे लंच पे तो उसने बनाए थे पुदीने और राजमा के, लेकर आई थी बाइंडिंग वगैरह के लिए अच्छा रहता है कॉर्नफ्लोर, मैं कहा एक बार याद करके लेकर आई। ये सुबह के लिए किशमिश बादाम भिगो दिए और ये कबाब बन गए हमारे। चलिए चल के खाते हैं, देखकर आती हूँ पहले अन्नी को, देखती हूँ कैसे लगते हैं ऐसे। नहीं कबाब देख खा के कैसे बने, अच्छे बने। अनी टेस्ट कर, चलिए गुड नाइट सिटी, ये हमारी नर है, आज का ब्लॉग ये खत्म करती हूँ, मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।